उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UP SSC परीक्षा के पहले दिन सॉल्वर गैंग के 21 लोगों को STF और पुलिस ने पकड़ा है। STF ने लखनऊ, बरेली, गोरखपुर और कानपुर से गिरफ्तारी की है। ये सभी माइक्रो ब्लूटूथ डिवाइस की मदद से नकल कर रहे थे। इसके अलावा प्रदेश के अलग अलग शहरों से 99 नकलची भी पकड़े गए हैं। UP SSC के ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक की परीक्षा सोमवार को 20 जिलों में कुल 737 परीक्षा केंद्रों पर हुई। मंगलवार को परीक्षा का दूसरा दिन था। STF SSP विशाल विक्रम सिंह ने बताया है कि सॉल्वर गैंग के 4 सदस्य लखनऊ, गोरखपुर से 2 और कानपुर से 1 को पकड़ा गया। इसके अलावा 7 सॉल्वर को पुलिस ने कानपुर से गिरफ्तार किया है। इससे हुई पूछताछ में बरेली में भी सॉल्वर गैंग के सदस्यों की जानकारी मिली है। दबिश देने पर 7 अन्य सॉल्वर को बरेली से पकड़ा गया है। बरेली में सॉल्वर हाफिज गंज और रिठौरा सेंटर पर परीक्षा दे रहे थे। सॉल्वर दूसरे परीक्षार्थियों की जगह परीक्षा देने आए थे। इनके नेटवर्क का पता करने के लिए STF इनसे पूछताछ कर रही है। लखनऊ में STF ने 4 सॉल्वर को पकड़ा। इनमें से एक का नाम कमलेश यादव है, वह लेखपाल की नौकरी करता है, आजमगढ़ में तैनात है। कमलेश ब्लूटूथ डिवाइस कान में लगा कर परीक्षा दे रहा था। उसको गोमती नगर विस्तार के एक परीक्षा केंद्र से पकड़ा गया। इसके बाद एक चिमटी की मदद से उनके कान के अंदर से ब्लूटूथ डिवाइस निकाला गया। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshant.com। इसके अलावा लखनऊ के मदेगंज के केंद्र से सॉल्वर आजमगढ़ निवासी राहुल यादव को एग्जाम देते पकड़ा गया। गाजीपुर के परीक्षा केंद्र सरस्वती इंटर कॉलेज से आजमगढ़ निवासी मनोज यादव समेत 2 अन्य सॉल्वर को पकड़ा गया। गोरखपुर में STF ने नीना थापा इंटर कॉलेज के पास से अंबेडकर नगर में रहने वाले रितेश त्रिपाठी और दीपांशु वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। कानपुर के नौबस्ता स्थित परीक्षा केंद्र LVM इंटर कॉलेज से STF ने सॉल्वर जानपुर निवासी सत्यम तिवारी को माइक्रो ब्लूटूथ के साथ गिरफ्तार कर लिया है। STF सूत्रों ने बताया है कि सॉल्वर गिरोह का कनेक्शन बिहार से भी है। इसने परीक्षा में माइक्रो ब्लूटूथ डिवाइस का प्रयोग किया है। इस डिवाइस को कान के भीतर सेट कर दिया गया है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर UKG के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।